नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चंद्रमा पर 2024 तक भेजी जाएगी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर पुरुष अंतरिक्ष यात्री और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को 2024 तक भेजने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। नासा ने बताया कि इंसानों की सफल लैंडिंग वाले सिस्टम के विकास और क्रू के साथ डेमो के लिए वह अमेरिकी औद्योगिक जगत से प्रस्ताव मांगेगी। स्टेप स्टेशन में बिजली सप्लाई आंशिक रूप से बाधित, सामान पहुंचाने में हो सकती है देर। नासा ने बताया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पावर सिस्टम में समस्या की वजह से बिजली आपूर्ति आंशिक तौर पर बाधित हुई है और वह इसे ठीक करने पर काम कर रही है। बकौल नासा, इसके क्रू मेंबर्स या स्टेशन को नुकसान नहीं पहुंचा है। बतौर जानकारी के अनुसार इसके कारण आईएसएस में सामान आपूर्ति में देरी हो सकती है। यूजर्स ने किया स्टैंड के अपने आप जलने का दावा। आंतरिक गड़बड़ी से सैमसंग ने किया इनकार। एक यूजर्स द्वारा सैमसंग गैलेक्सी S10 5G स्मार्टफोन के अपने आप जलने का दावा करने के बाद कंपनी ने आंतरिक गड़बड़ी से इनकार करते हुए बाहरी कारण को इसका जिम्मेदार ठहराया। यूजर्स ने कहा, फोन टेबल पर रखा था, उससे अपने आप धुआं निकलने लगा और जलने की बू आने लगी। बकौल यूजर, सैमसंग ने फोन के लिए 12,000 रुपए देने से इनकार कर दिया। एप्पल को पछाड़ा दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी हुवाई। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन की जानकारी के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में चीनी कंपनी हुवाई स्मार्टफोन की बिक्री मामले में अमेरिकी कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई है। इस दौरान हुवाई ने 5.91 करोड़ जबकि एप्पल ने 3.64 करोड़ स्मार्टफोन बेचे। वहीं 7.19 करोड़ स्मार्टफोन बेचकर दक्षिणी कोरियाई सैमसंग शीर्ष कप पर रही। ट्रांसप्लांट के लिए 10 मिनट में 5 किलोमीटर दूर ड्रोन से डिलीवरी की गई किडनी। अमेरिका में एक ड्रोन ने 5 किलोमीटर दूर स्थित हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट के लिए किडनी लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिकल सेंटर में करीब 10 मिनट में डिलीवर कर दी। यह पहली बार है जब ट्रांसप्लांट के लिए किसी अंग को ड्रोन के जरिए पहुंचाया गया। किडनी को 8 साल से डायलिसिस पर चल रहे मरीज में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट में किया गया। दबाव कम करने के लिए लाइक्स की संख्या छिपाने का ऑपरेशन दे सकता है इंस्टाग्राम। ऑप्शन दे सकता है इंस्टाग्राम। कनाडा में इंस्टाग्राम एक फीचर टेस्ट करने वाला है जो पोस्ट से लाइक की संख्या हटाकर सिर्फ लाइक करने वाले लोगों के नाम दिखाएगा। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को थोड़े समय के लिए प्लेटफॉर्म से ब्रेक देने वाला अवे मोड भी टेस्ट कर रहा है। इसके प्रमुख एडम मोसरी ने कहा, अब दबाव कम कर माहौल बेहतर बनाना चाहते हैं। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।